Swamiji, you just mentioned the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam Saab. And I was thinking just a few days ago, I was reading a chapter from his book, Transcendence. And in that book, he mentions how Pramukh Swami Maharaj was not just an inspiration on the spiritual path for him, but also on his path as a scientist, also on his path as a creator, also on his path in terms of ecumenical overall development. And that is the kind of influence, that is the kind of lasting impression Pramukh Swami Maharaj has left on the lives of millions across the world. Just a few days ago, I met a young student here who was studying in Delhi, and he told me how Pramukh Swami Maharaj had blessed him to finish his PhD, and then later go on to get his MD. And he had moved on to other parts of the world to finish both degrees. And you could clearly see on his face, Swamiji, that yes, he was driven. Yes, he was ambitious. Yes, he wanted to give back and serve society. But there was this hand, this divine, humanly divine hand on his back in the form of his guru, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, and now His Holiness Mahant Swami Maharaj, that was continuing to inspire him and motivate him. आप देख रहे हैं अक्षरधाम की प्रतिकृति. अक्षरधाम की प्रतिकृति यहाँ पर जो निर्माण की गई है, दिल्ली का अक्षरधाम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का धाम. यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज नगर में अक्षरधाम की प्रतिकृति रिकॉर्ड ब्रेकिंग समय में निर्माण की गई. दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो गुलाबी सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया हुआ, उसकी प्रतिकृति यहां पर है. दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर करीब 100 एकड़ भूमि में फैला है, जिसके 5 प्रमुख भाग हैं. मंदिर में उच्च संरचना में 234 नक्काशीदार खंभे हैं, 9 अलंकृत गुंबद हैं और 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं. अक्षरधाम मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है. पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी, पूज्य आदर्श जीवन स्वामी हमारे साथ उपस्थित थे, तो मैं पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी प्रतिकृति यहाँ पर कैसे तैयार की गई. जी हाँ, मैं इस प्रतिकृति के बारे में कुछ बातें कहूँ. उससे पहले इस मंदिर के बारे में बताऊँ कि ये एक ऐसा महामंदिर है जो हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की एक अनुपम प्रस्तुति के रूप में राजधानी दिल्ली में दिल्ली के वक्षस्थल पर विराजमान है. ये अक्षरधाम जो है वो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक दिव्य संकल्प था. परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के संकल्प को साकार करते हुए इस अक्षरधाम का निर्माण सन 2005 में किया था. ये जैसे अभी आपने ध्वनित भाई बताया कि ये जो अक्षरधाम है वो गुलाबी सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना हुआ है, तो सच में ये इतना विशाल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसको स्थान दिया गया है, द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड. तो इस तरह से उसको स्थान दिया गया है. और ये जो अक्षरधाम महामंदिर है जो दिल्ली में रचा गया है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि वो केवल 5 साल में पूर्ण हुआ था. एग्जैक्टली 5 साल में जी. तो इसको जो देखने वाले हैं वो आज इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि केवल 5 साल में ये संभव नहीं हो पा सकता. इतने सारे पत्थर को संवारना, उस पर तक्षण कार्य करना, शिल्प कार्य करना, ये कैसे संभव है.